कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा और के कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। सचिव प्रकाश जोशी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट सत्र की वक्त अवधि बहुत कम रखी गई है। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता की समस्या का समाधान इतने कम समय में नहीं हो सकता है, तो सरकार को बजट सत्र का समय और बढ़ाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3 मार्च को गैरसैंण विधानसभा के बाहर धरना दिया जाएगा। गांव की समस्याओं की चर्चा तरह तरह की चर्चा करते हैं। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें रखी और प्रकाश जोशी ने सरकार पर गंभीर आरोप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाया कि अगर बजट सत्र का समय सरकार ने कम रखा तो आंदोलन प्रदर्शन की चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजट सत्र के समय को बढ़ाने के साथ ही उन्होंने ये भी साफ चेता दिया है कि अगर इस मांग पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उनके खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया जाएगा। आप पूरे देश का के हर राज्य का रिकॉर्ड उठा लीजिए और उत्तराखंड के रिकॉर्ड को उठा लीजिए, बजट सत्र हो या कोई भी विधानसभा का सत्र हो, 365 दिन में से उत्तराखंड में मात्र 10-12 दिन की एक औपचारिकता बनकर रह जाता है 2 से 3 बारी में। एक मजाक है। जब तक आप विधानसभा सत्र एक अच्छी अवधि के लिए, पर्याप्त अवधि के लिए नहीं चलाएंगे, तब तक जो प्रदेश के जो जनहित के मुद्दे हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, उस पर चर्चा कैसे होगी, उस पर बहस कैसे होगी, उस पर आगे की नीतियाँ कैसे बनेंगी। तो ये औपचारिकता है 4 दिन 5 दिन का सत्र, इसे सहन नहीं करेगी प्रदेश की जनता। तो हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पूरे प्रदेश की जनता को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं।